गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये रिलेटेड होने वाला है हमारी लास्ट वीडियो से, जिसमें मैंने आपको दिखाया था पतंजलि योगग्राम, जहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के आया था लास्ट वीक। तो आज क्या है कि पूरा एक हफ्ता हो चुका है, तो आज मैं उनको वापस लेने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो इस वीडियो में ना गाइस, मैं आपको वहाँ के बारे में सारी डिटेल्स दे दूँगा जितना मैं समझ पाया हूँ या जितना मुझे पता लगा है वहाँ के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं गाइस कि पतंजलि योगपीठ और योगग्राम ये दोनों अलग अलग जगह है। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि भाई पतंजलि योगपीठ जो हरिद्वार जाते हुए मेन हाईवे पे पड़ता है, हाईवे से जो दिखाई देता है, उस जगह में मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के आया हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो जगह अलग है। पतंजलि योगपीठ जो हाईवे पे दिखता है, और जो योगग्राम है वो अंदर जाके 25 किलोमीटर दूर है वहाँ से, योगपीठ से। और उसके लिए हमें अंदर की तरफ जाना पड़ता है। राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ एरिया है, वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड प्लेस है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि वहाँ की बुकिंग की प्रोसेस क्या है, कि आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होता है। अभी स्क्रीन पे मेंशन है वेबसाइट, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी छोड़ा था, अभी भी मैं डाल दूंगा लिंक। तो वेबसाइट पर जाइए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म है जिसमें इनको उसको कहते हैं हेल्थ सीकर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें आप अपने पेशेंट की डिटेल डालिए, आपके जो भी भाई बंधु हैं या आप खुद हैं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी डिटेल डाल के आपको उसमें फिल करना होता है कि भाई आपको क्या बीमारी है और कब से है, कोई फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है। आपको अपनी जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है या जो भी आपका MRI CT स्कैन या एंडोस्कोपी वगैरह की जो रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, वो उस पर एक मेजर रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। और गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई अगर क्रॉनिक डिसीज़ है ना, आपको क्रॉनिक डिसीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है इतना, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। या मतलब इसका कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, या कुछ ऐसा है, कई बीमारियां होती हैं इस तरह की जो फैलती हैं एक दूसरे से, कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ऐसी। तो इस तरह की बीमारियों का, क्रॉनिक डिसीजेज़ को, जो मेडिकल लैंग्वेज में क्रॉनिक डिसीज़ जिनको कहा गया है, तो उन बीमारियों का इलाज वहाँ पर नहीं होता है, उनका ट्रीटमेंट नहीं होता। ये साफ साफ आप ऊपर पढ़ लेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर भी लिखा हुआ है। तो आप अपनी डिटेल भर के और फोटोग्राफ्स अपलोड करके साथ में आप वहाँ पे भेज सकते हैं। पहले आपको वहाँ भेजना है, मतलब ये फॉर्म सबमिट करना है। और एक बात बताऊँ गाइस कि वहाँ जो ये रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो भी एक कमरा जो है वहाँ पे, कई तरह की जो कुटियाँ हैं, जो रूम्स हैं, जैसे अभी मेरे पेरेंट्स एक टेंट में रुके थे, उसको टेंट कॉटेज कहा जाता है, तो उसके जो चार्जेस हैं ना, वो दो लोगों के लिए अप्लीकेबल हैं। मतलब उन चार्जेस में आप दो लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है गाइस, जो काफ़ी लोगों ने पूछी थी कि भाई चार्जेस क्या है। तो चार्जेस बता दूं आपको, चार्जेस है 4,000 रुपीस था उस टेंट कॉटेज का, ये मैंने कमेंट में भी लिखा कई लोगों को। उसके ऊपर फिर महर्षि कुटिया है, और भी कई नाम है अलग अलग, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो उनके चार्जेस मतलब 4,000 रुपये से लेके 7,500 या 7,000 रुपये के आसपास अलग अलग है, 6,000 5,000। तो वो जो चार्जेस हैं वो दो लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी। तो उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आप फॉर्म जो सबमिट कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो फॉर्म आप दो लोगों का सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो भी सेम फीस लगेगी, सेम 4,000 रुपये लगेंगे या 5,000 लगेंगे कमरे का चार्जेस। अगर आप दो लोगों का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो भी सेम लगेंगे, ठीक है। तो हमने यही किया था कि भाई हमने फादर को भी साथ में भेज दिया था, इसलिए कि उनका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, और मदर अकेली रहती भी कैसे। या फिर अगर आपके घर में कोई है नहीं ऐसा कि जो बीमार हो, या मान लो आप किसी एक ही बंदे का इलाज कराना चाहते हैं, तो आप उनके साथ में एज ए अटेंडेंट उनके वहाँ रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये दो चार बातें मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ आपको। फिर आप जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करके भेजेंगे, उस फॉर्म को सबमिट करके भेजने का मतलब ये है कि आप अपनी डिटेल उनके पास भेज रहे हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद या नेक्स्ट डे या 24 घंटे या 48 घंटे में उनकी तरफ से अप्रूवल आता है कि भाई आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो भी सकता है कि नहीं। वो फॉर्म इसीलिए सबमिट होता है। तो जब वो अप्रूवल आएगा, उसके बाद से आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन अपने लिए रूम चेक करने के लिए कि भाई अवेलेबल है कि नहीं। अपने हिसाब से आपको जब जिस डेट पे रूम अवेलेबल मिल रहा है, आप बुकिंग कर लीजिए। और ऐसा होता है कि उसमें ना बुकिंग बहुत आगे आगे की मिल रही होती है, मतलब 2 महीने 3 महीने बाद की बुकिंग्स, रिसेंट डेट की अवेलेबल नहीं होती है। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपको कैसे मिल गई, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये बाई चांस था कि मुझे बाई चांस मिल गई थी। मैं डेली चेक कर रहा था, और मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले मुझे 19 मार्च की मिल रही थी, तो जब मैं 19 मार्च की बुक करने बैठा, मुझे लगा कि तब तक होगा अवेलेबल शायद, मैं नेक्स्ट डे मैं उसको बुक करने बैठा, तो मुझे पता लगा कि 19 मार्च की जगह अब 14 जुलाई की अवेलेबल है लेटेस्ट। फिर एक दो बार मैंने दोबारा से चेक किया तो मुझे 18 फरवरी की दिखाई दे गई, जो पीछे भी डेट गई जिसमें पेरेंट्स को छोड़ के आया था मैं।
तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया, पेरेंट्स से बात की हमारे लिए, बल्कि एक ही दिन का गैप था हमारे पास बीच में, तो इस बीच में फटाफट मैंने उनसे बात की और ये उनको बुकिंग कर दी। बुकिंग के लिए क्या है कि वेबसाइट से बुकिंग होती है और उसके लिए फिर पेमेंट जाके मैं बैंक में जमा कर गया। SBI और एक्सिस बैंक, दो बैंकों से पेमेंट ये लोग एक्सेप्ट करते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन पेमेंट का इनका अभी सिस्टम जो है वो डाउन चल रहा है। इसके बाद ये है कि भाई वहाँ से डायरेक्ट बुकिंग हो सकती है कि नहीं, तो ये बात मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, जैसे उनको लेने जा रहा हूँ पेरेंट्स को, तो मैं वहाँ जाके वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ से बातें क्लियर करूँगा, जाके चेक करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली वहाँ पे आ जाते हैं, उनको भी रूम्स मिलते हैं, ये भी है। और कई रूम कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो वो भी ऑफलाइन ही सेल होती होंगी ऑब्वियसली। तो ये बातें मुझे वहीं जाके मैं पूछूँगा और आप लोगों को बताऊँगा, बस ये बताना था। और शायद मैं कुछ अगर मिस कर रहा हूँ या वहाँ से ट्रीटमेंट का कुछ हो सकता है सॉल्यूशन के नहीं। देखो गाइस, काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा मुझसे कि भाई मुझे किसी तरह की कोई मेडिकल परेशानियाँ बताई हैं लोगों ने अपनी, पर गाइस मैं इस बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा कि भाई इन चीज़ों का वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता। आप लोग इनके कस्टमर केयर में बात कीजिए, पतंजलि योग पीठ के कस्टमर केयर में बात कीजिए या योग ग्राम के कस्टमर केयर में बात कीजिए। इनके अपने टोल फ्री नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए और आपको जो भी क्वेरीज हैं उनसे पूछिए, भाई हमें ये परेशानी है, हमारी इलाज हो सकता है कि नहीं यहाँ पे। दूसरा, जो मैंने आपको फॉर्म सबमिट करके जो प्रोसीजर बताया वो तो है ही है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ, तो मुझे 2-2.5 घंटे और लगेंगे, 100 किलोमीटर के आसपास और जाना है, तो 10:30 या 11 बजे तक मैं मैक्सिमम पहुँच जाऊँगा। तो काफ़ी लंबी बात हो गई गाइस, बाकी यही है कि मैं एक बार मिलता हूँ पेरेंट्स से, फिर आप लोगों को बताऊँगा कि आगे की प्रोसेस क्या है या फिर ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट्स हैं, मतलब आना यहाँ पे फ़ायदा है भी कि नहीं, इतने पैसे देना ठीक है भी कि नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं दोबारा। तो गाइज़ मैं योगग्राम के अंदर आ चुका हूँ और दोबारा से वही प्रोसेस करवा के कि भाई बाहर अपनी डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा के और रैपिड टेस्ट करवा के। अच्छा, एक बात और बताऊँ, रैपिड टेस्ट के ना यहाँ पे ये लोग 100 रुपये लेते हैं, तो वो टेस्ट करवा के ही मैं अब जा रहा हूँ मम्मी पापा के पास उनके रूम पर, और वहाँ से उनको लूँगा और फिर वापस पार्किंग में आएंगे और फिर चले जाएंगे यहाँ से। जो भी प्रोसेस है ना यहाँ से चेकआउट की, डॉक्टर के साइन होते हैं और भी कई एक दो फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट के साइन होते हैं, वो सब फॉर्मेलिटीज़ पापा ने करवा ली थी। तो बस यही है कि अभी जाना है और उनको लेना है और चले जाएंगे। ये जो जगह है ना, इसको योग भवन कहते हैं, पिछली वीडियो में बता नहीं पाया था, और यही जगह है जहाँ से डेली ना रामदेव जी लाइव आते हैं, जो सुबह आप लोग उनका प्रोग्राम देखते होंगे ना आस्था चैनल पे या इंडिया टीवी पे, सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक वो यहीं से लाइव होते हैं। सामने जाना है मुझे सीधा सीधा आके। गाइज, ये वाले जो कॉटेजेस मैंने आपको दिखाए थे ना लास्ट वीडियो में, ये सेपरेट कॉटेजेस बने हुए हैं, इनको निरामयम कहा जाता है यहाँ पे। तो इसके चार्जेस मैंने ना पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 60-70 हज़ार रुपये होते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो भी मुझे यहीं पे सुनने को मिला था। इसके चार्जेस 15 हज़ार रुपये 2 लोगों के हैं और 50 हज़ार रुपये 4 लोगों के हैं। और ये भी है कि काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट हैं यहाँ के वो सब इसके अंदर ही हो जाते हैं, सिर्फ योग के लिए बाहर आना पड़ता है योग भवन में, बाकी सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो अंदर हो जाते हैं, इसलिए ये चार्जेस ज़्यादा हैं यहाँ के और थोड़ी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं इसकी। रामदेव जी भी इनके अंदर ही यहीं पे रहते हैं और ये इनके सामने ही टेंट आ गए हैं, बस मैं जा रहा हूँ टेंट में। तो गाइज, हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से, मम्मी पापा को उनके रूम से ले लिया था और अभी देखो ये चेकआउट का टाइम पे ना इनकी गाड़ी आई है दोबारा से ले जाने के लिए, सब सामान यहाँ भी रखा है और ऊपर भी रखा है हमारे बैग्स। और मम्मी और पापा को कैसा लगा यहाँ रह के, ये सारी बातें हम लोग गाड़ी में चल के करेंगे। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं कैंटीन में, आज का इनका दोपहर का लंच था, तो मम्मी और पापा लंच करके निकलेंगे, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में सामान रखने, फिर जो भी बाकी आगे की बातें रहेंगी, यहाँ पर कैसा ट्रीटमेंट हुआ या क्या फ़र्क पड़ा है क्या नहीं पड़ा, वो सब बातें हम गाड़ी में करेंगे मिल के दोबारा से। ठीक है, चलो। तो गाइज़, हम लोग अपना निकल चुके हैं यहाँ से, योगग्राम से बाहर आ गए हैं पार्किंग से गाड़ी लेके, तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, तो इसी वीडियो में सब कुछ ख़त्म करना है। खैर, सारी डिटेल आप लोगों को बता देते हैं, पापा से पूछ लेते हैं पहले कि पापा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको कितना फ़र्क पड़ा, और जो भी बातें हैं पहले इनकी सुन लीजिए फिर मैं कुछ बताऊँगा आपको। 7 डेज में 4 kg वेट कम हुआ है। हाँ। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फिट नज़र आ रहे हैं, एकदम फिट हो गए हैं। यहाँ की डाइट जो है वो फॉलो करनी है, घर जाके भी करोगे तो एकदम ऐसे ही फिट रहोगे और भी ज़्यादा फिट हो जाओगे। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, स्टाफ बड़ा अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रखा है इन्होंने। और मम्मी की सेहत में कितना फ़र्क? मम्मी की सेहत में बहुत बहुत फ़र्क है पहले से। चलो
तो गाइस ऐसा है देखो, जब मम्मी को मैं सबसे पहली बार योगपीठ लेके आया था ना, दो हफ्ते पहले भाई के साथ जब आया था, तो मम्मी को पीछे वाली सीट पे लिटा के हमें लेके आना पड़ा था। मम्मी बैठ नहीं पाई थी पूरे रास्ते। और आज मैंने मम्मी को देखा एक हफ्ते बाद, तो मेरा दिल इतना खुश हुआ इनको देख के, क्योंकि मम्मी के बात करने के तरीके में, चलने फिरने के तरीके में, सब में चेंज आ गया है। और वेट मम्मी का भी काफ़ी लूज़ हुआ है। जैसे मैंने आज इनको इतने दिन बाद देखा, तो हम वीडियो कॉल पे बात करते थे तो इतना पता नहीं लगता था तब, क्योंकि फेस के पास होता है फ़ोन तो उसमें पता नहीं लगता है पूरा। जैसे आज देखा तो वैसे पापा कह ही रहे थे कि भी वेट लूज़ हुआ है मम्मी का भी, तो आज देख के फ़र्क पता लगा कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ज़्यादा चेंजेस मम्मी में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पापा पहले से ही फिट रहते थे, अपने आप का अपना ध्यान रखते थे शुरू से ही। और मम्मी में इसलिए चेंज दिख रहा है क्योंकि मम्मी की हालत काफ़ी वैसी थी उस टाइम पे जब हम यहाँ लेके आए थे, काफ़ी दिक्कत चल रही थी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतना कम लीजिए, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाइए। नेचुरल चीज़ें ही हमारे शरीर को ठीक कर सकती हैं, ये हम लोगों ने यहाँ आके सीखी हैं ये चीज़ें। एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा करा के मम्मी एडमिट होती थी हॉस्पिटल में, तो एक पूरा हाथ मम्मी का अभी भी ख़राब है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा कैनोला मम्मी के लगे हैं कि उसकी नसों में कुछ दिक्कत आ गई है, तो नसें ब्लॉक हो गई हैं। तो वो हाथ की दिक्कत बस एक है, बाकी मम्मी खुद से चल के आई हैं, वो चक्कर आने बंद हो गए, इनको बेहोश हो जाती थी मम्मी थोड़ी थोड़ी दिनों में, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत होगी। अब पहले क्या होता था, हमें मम्मी के साथ ना हाथ पकड़ के चलना पड़ता था यहाँ आने से पहले, आज मम्मी खुद गाड़ी तक पैदल चल के आई हैं अपने आप। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। तो डेली लगभग 6 किलोमीटर डेली, 6 किलोमीटर डेली, क्या बात कर रहे हो, 3 बार। अच्छा जी, 2-2। अच्छा हाँ, तो देख रहे हो गाइस, पापा खुद ही बता रहे हैं कि 2-2 किलोमीटर डेली मम्मी पैदल चलती रही, 2-2 किलोमीटर 3 बार दिन में, क्योंकि अपने टेंट से खाना खाने तक आना और फिर जाना कैंटीन तक आना, फिर वापस जाना योग भवन तक जाना, या और भी जो आसपास जो जगह है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पैदल ही गए हैं ये लोग। गाड़ियाँ चलती हैं वैसे बैटरी वाली, बट वही है कि खुद से अगर कर रहा है इंसान तो ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। वैसे मैं ये बताऊं आपको कि यहाँ का जो शेड्यूल है ना, बहुत टाइट है। मतलब आप लोग अगर यहाँ का शेड्यूल में फिट हो जाओ ना, यहाँ के शेड्यूल के हिसाब से आप लोग काम कर लो, तो आप शायद और भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाएं यहाँ आके। बल्कि पापा और मम्मी तो पूरा फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि अब इनकी एज ऐसी है कि इतनी जल्दी उठना पॉसिबल नहीं था, और कुछ क्रियाएँ वहाँ पर ऐसी थी कि जो हर कोई नहीं कर सकता है, है ना पापा जी? सुबह चार बजे से सुबह शुरू होते हैं और रात को 3 बजे उठना पड़ता है, और रात को फिर 8-9 बजे, और दिन भर फिर चलने फिरने का ही काम। तो इस एज में आके वो पॉसिबल नहीं रहता हर किसी के लिए। और जो लोग थोड़ा एक्टिव हैं, चल फिर सकते हैं, पापा शायद अकेले होते तो वो कर लेते इस काम को, पर मम्मी का उनको ध्यान भी रखना था तो इसीलिए वो ज़्यादा नहीं कर पाए कुछ सुबह की एक्टिविटीज़। पर उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि मैंने मम्मी के अंदर, पापा के अंदर 90% चेंज देखा है पहले और अब में। मम्मी का तो बहुत ज़्यादा पता लग रहा है क्योंकि पापा तो पहले ही एक्टिव रहते थे, मम्मी में तो बहुत फ़र्क है। मैं तो बहुत खुश हूँ। जैसे यग थेरेपी नहीं कर पाए हैं, हाँ, टाइम की वजह से, वो भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा करती है। हाँ, यहाँ पे गाइस बहुत सारी तरह की थेरेपीज़ हैं, और ये जो थेरेपीज़ और जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे ही ट्रीटमेंट आप लोगों को उन्हीं पैसों में मिलता है जिस पैसों में आप लोग यहाँ के रूम लेते हैं। मान लो 4000 का रूम है दो लोगों का, तो दोनों लोगों के ट्रीटमेंट उसमें इंक्लूड है। उसके अलावा अगर पंचकर्मा की एक्टिविटी है तो उसमें कुछ फीस है, वो 3 दिन के आप लोगों के 800-850 रुपए लगे थे। हमारे इतने लगे, बाकी सब के अलग अलग चार्जेस हैं, वो उनकी यज्ञ सामग्री होती तो उसका अलग चार्जेस है। तो जिस चीज़ में पैसे इनके खर्च होते हैं उस चीज़ के आप लोगों से चार्जेस ये ले सकते हैं। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग तो, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा रामदेव जी का, यार क्या जगह बनाई है उन्होंने। और डेली खुद योग कराते हैं, 5 खुद सुबह, मैंने बताया लोगों को कि भाई सुबह यहीं से लाइव होते हैं डेली, 5 से 7:30 बजे तक डेली वो यहीं से योगा कराते हैं लोगों को। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोगों को जिनको भी परेशानी है किसी भी तरह की, तो एक बार नेचुरोपैथी और योग की तरफ आप लोग आइए। यहाँ पे अगर आपको रूम की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ रहा हूँ, मैंने चेक किया जाके काउंटर पे कि भाई डायरेक्ट भी यहाँ पे बुकिंग मिलती है, बट वो ही है कि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड रहता है कि अगर रूम्स अवेलेबल हैं आप कॉल करते रहिए, पूछते रहिए, अवेलेबल होंगे तो आपको मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं फिर दोबारा। अच्छा लग रहा है मम्मी, मज़ा आ रहा है? मम्मी के चेहरे पर स्माइल आ गई है, मज़ा आ गया। तो गाइज हम लोग अभी मुजफ्फरनगर के आसपास पहुंच चुके हैं। तो अभी क्या है ना कि पापा आप लोगों को बताएंगे कि वहां पे ट्रीटमेंट एक्चुअली किस किस तरह के होते हैं,
जो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर और पंचकर्मा, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में इनमें होता क्या क्या है वहाँ पे। तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो सभी के लिए कॉमन है, तो वो पापा बताएंगे आपको कि होता क्या क्या था यहाँ पे, इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ, शेड्यूल एक बार जानते हैं उनसे। लो जी माइक पकड़ो। नेचुरोपैथी में क्या है कि वो फुल बॉडी मसाज करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, चार चार लोग एक साथ करते हैं। अच्छा। एक इस पैर पे, एक उस पैर पे, एक इधर, एक इस हाथ पे, एक उस हाथ पे, चार चार लोग एक साथ करते हैं। जैसे आपने पूछा था कि ऑयल कौन सा होता है, वो सरसों का तेल। अच्छा। और बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं, उस पूरे तेल को उसमें अंदर शरीर के अंदर कर देते हैं वो। अच्छा। बहुत तगड़ी मालिश करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। नेचुरोपैथी में होता है। नेचुरोपैथी में होता है। और इसके अलावा क्या होता है साथ में? इसके बाद फिर अगर आपका मिट्टी का लेप भी, अगर डॉक्टर ने लिखा हुआ है तो मिट्टी का लेप भी करते हैं जहाँ जहाँ आपको दर्द है, या फिर उससे पहले भी है कि आपको टब में बिठाते हैं, बैठने वाला एक टब होता है उसमें बिठाते हैं, या फिर आपका एक लेटने वाला टब की भी होती है। पानी कैसा होता है उसमें? गर्म पानी, बिल्कुल गर्म होता है, जिसमें आदमी बैठ सके या लेट सके, इतना गर्म होता है पानी। अच्छा। उसमें 20 मिनट के लिटाते हैं, 12 मिनट के लिटाते हैं। उसके बाद फिर अगर आपने कहा, डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि आपका मिट्टी का लेप होना है, किसी कंधे पर होना है, या आपको सर्वाइकल है, या कमर में दर्द है, या घुटने में दर्द है, तो वहाँ कई तरह की मिट्टी के तरह लेप वो बना के रखे हुए हैं, 10-12 तरह के। तो बीमारी के हिसाब से वो आपको लगाएंगे वो उस तरह का। अच्छा। वो लेप लगाने बाद फिर आप बाथरूम बने हुए बड़े अच्छे अच्छे, गर्म ठंडा पानी मिक्स होकर भी आता है, गर्म साफ सुथरे टॉयलेट, साफ सुथरे टॉयलेट बने हुए, उसमें आप आराम से नहाइए, गर्म पानी में, ठंडे पानी में नहा के, कपड़े पहन के अपना चले जाइए आप। ये सुबह का है, शाम का ट्रीटमेंट अलग है। शाम को लिटाएंगे आपको, उस पर गर्म ठंडा तौलिया, एक तरफ पैनक्रियाज, एक तरफ लीवर, एक तरफ पहले ठंडा तौलिया रखेंगे, एक तरफ दूसरी तरफ गर्म रखेंगे, उसके ऊपर बड़ा तौलिया रख के फिर उसके ऊपर गर्म पानी की बोतल रख देते हैं। अच्छा। एक बार गर्म पानी की बोतल इधर, एक बार गर्म पानी की बोतल लेफ्ट, और एक बार राइट, इस तरह से फिर उसको चेंज करते हैं, फिर एक बार फिर पलट देते हैं, फिर जहाँ गर्म था वहाँ ठंडा, जहाँ ठंडा था वहाँ गर्म, ऐसी वो सिकाई करते हैं। वो कहते हैं हम इससे ना लीवर और पैनक्रियाज की सिकाई करते हैं। अच्छा। उसको सही करके पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए ये करते हैं। उसके बाद फिर दूसरी जगह जाते हैं, वो पिंडलियों की मालिश करते हैं आपकी। हाँ, काफ्स की। हाँ, पिंडलियों की मालिश करते हैं बड़े अच्छे से तेल की। हाँ। करने के बाद फिर वहाँ पे वो पट्टियाँ बांध देते हैं पैरों पे। अच्छा। मैंने पूछा, लपेट करते हैं। मैंने पूछा किस लिए है, वो कहते हैं कि इसको मेंटेन रखने का, टेम्परेचर मेंटेन रखने का, मतलब आधा घंटा आपको बांध के रखनी है। अच्छा। उसके बाद फिर आपकी बीमारी के हिसाब से आपके ऊपर की सिकाई होती है, स्टीम भी दे सकते हैं आपको या मालिश भी कर सकते हैं। तो ऊपर के यहाँ की करने के बाद फिर वो आपको लपेट लगाते हैं वहाँ पर। अच्छा गाइस, एक चीज़ हो रही है कि डाइट प्लान भी ना यहाँ पे जिसका जैसा ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से रहता है। मम्मी का डाइट प्लान अलग था, पापा का अलग था। तो खाने में मम्मी को क्या था कि फ्रूट डाइट रखी हुई थी, और एक टाइम पे एक ही फ्रूट दिया जाता है, दूसरा नहीं दिया जाता, दूसरा फ्रूट नेक्स्ट डे मिलेगा, तो ऐसा था। और उसके साथ में कोई सूप या वो मिलता है डाइट के, बीमारी के हिसाब से। तो मेन यही है गाइस कि मान लो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो एक हफ्ते या 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए आप लोग आते हैं, तो आपको उसके बाद जो डाइट फॉलो करनी है वो इसी के हिसाब से करनी है, अगर आप लोग इसी तरह से मेंटेन रहना चाहते हैं। तो आप लोग मतलब ये है कि एक तरह से यहाँ पे आते हैं तो लाइफस्टाइल सीख जाते हैं इस तरह का, कि हमें नेचर से जुड़ना है तो हमें क्या करना है, क्या खाना है, तो वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ एक हफ्ते में या 10 दिन में सीख जाओगे। तो उसके बाद अगर वो डाइट फॉलो करोगे तो आप लोग भी स्वस्थ रह सकते हो आगे के लिए। अब जैसे मम्मी के अंदर हमें बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा भाई सभी के लिए कि एक बार आओ, ट्राई करो, क्योंकि पैसे भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। हमारे 30,000 रुपये के आसपास लगे हैं टोटल 7 दिन के, शायद 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा भी लगे हों। बस यही है कि अगर हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है तो वो 30,000 रुपये मायने नहीं रखते। और लोग कहते हैं, अभी मैंने कई वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि पैसे ज़्यादा लेते हैं रामदेव जी। यार 30,000 रुपये में 2 लोगों का एक हफ्ते का इलाज कर रहे हैं, खाना रहना सब कुछ है, ये कहाँ महंगा है? कई लोगों को लगेगा कि महंगा है, हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो शायद इसलिए हमें लग रहा है कि महंगा नहीं है। बट किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग अगर रहते हैं एक हफ्ता ट्रीटमेंट के लिए, तो कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए लग जाते। और हमारा जो ट्रीटमेंट मम्मी का जो पहले से चल रहा है, तो हमें पता ही है कि कितने कितने पैसे लगे हैं हर बार। वो तो ये है कि पापा गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हैं, तो इनका CGHS का कार्ड है, तो उस हिसाब से हमें इतना ज़्यादा पता नहीं लगा। बट
वो ट्रीटमेंट नहीं है एक्चुअल में। एलोपैथी में किसी भी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लगता है मुझे। जो हमने अभी जो चेंज देखा है वो नेचुरल है सब कुछ, आयुर्वेद बहुत कुछ है। ठीक है, आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे मिर्च मसाले वाली नहीं मिलेगी। हाँ, खाना बिल्कुल गाइस प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन, मतलब ना मिर्च है ना हल्दी है नमक है। हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, रूम कैटेगरी गाइस यहाँ पे ना 4,000 से नीचे भी है, एक 3,500 है, एक 2,500 है। तो 2,500 बेसिकली उन लोगों के लिए है, एक तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा खर्च, और दूसरा ये जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इलाज कराने आए हैं। मान लो किसी का ट्रीटमेंट ऐसा है कि उसको 2 महीने यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो यहीं आके डिसाइड होता है, पता लगता है कि भाई किस तरह की बीमारी है, डॉक्टर बता देते हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम रहना है तो वो लोग उस तरह के उसमें रहते हैं रूम्स में 2,500 वाले में, और उसके बाद हट बनी हुई है, झोपड़ियाँ जिनको कहते हैं यहाँ पे, ये तो वो 3,500 रुपये का किराया है उनका। तो ये दोनों जो रूम्स हैं, और निरामयम जो 15,000 वाला मैंने आपको बताया था पर डे का 2 लोगों का, उसके भी उसकी भी बुकिंग है, वो भी ऑनलाइन नहीं होती है। इन तीनों जगहों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। ठीक है जी, समझ गए हो सब कुछ। ठीक है गाइज, तो ये था पूरा डिटेल में वीडियो, और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा योग्राम आके। तो और किसी तरह की अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए या कुछ और पूछना हो जो मैं कवर ना कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेहतर है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं, क्योंकि मैं कमेंट में यार सब कुछ ना लिख नहीं सकता, इतनी सारी डिटेल वहाँ पे आ नहीं सकती। इंस्टाग्राम पे क्या है कि मैसेज में मैं हर कुछ टाइप कर देता हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने बताया भी है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए भी थे, DMs भी आए थे। तो यही था, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही था, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा, पर यह है कि आप लोगों को डिटेल सारी मिल गई होगी। मम्मी बाय कर दो सबको। मम्मी बहुत बेहतर है पहले से। पापा जी आप भी बाय करो। बाय बाय बाय। चलो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय।